तुम लोगों पे जितना पैसा हम खर्चा कर रहे हैं ना, तुम लोगों को उल्टा वापस हमें पैसे देने चाहिए। वाह जी वाह, हमारे गांव में ना एक लड़के का शादी हुआ, शादी में ना उसको मोटरसाइकिल मिला, मोटरसाइकिल का नाम उसने रख दिया भैंस। अगले दिन से वो दूध देने लगी। अब घर में अगर 14 लोग हैं और सबका पेट भरना है तो बताइए कि भैंस को कितना अंडा देना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यही तो हम कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बकवास कर रहे हो भैया। इसका क्या मतलब है? आप तो कह रहे थे हम परिवार है ना। कौन वाला जा रहा है यहाँ? अरे मैडम अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से आपको फोन लगा रहा हूँ। मैडम हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये लोग लिखा पढ़ी में हमको ऐसा। तुम क्या भोले बन रहे हो, कल रात को तुम क्या बोल रहे थे? तुमने हजारों में सोचा और हमने लाखों का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। साला इसलिए, तुम विभीषण हो साला, कहाँ के हो तुम, बांडरा, पूरा बर्बाद होगा बांडरा। जिमी भैया, प्रमिला मैडम, देखिए हम जानते हैं आप बड़े शहर के लोग हैं, बड़े आदमी हैं, ठीक है, हमें तो आपकी भाषा भी समझ में नहीं आती है, लेकिन लगता है ना जिमी भैया हम बड़ों के रेस में दो गधे फंस गए हैं। छोड़िए ना, अगर आप उनको कहे कि 5 लाख काफी है तो नहीं, तो 5 लाख हमारे लिए पूरा संसार है। बस ये जो कागज है ना प्रमिला मैडम, हम साइन नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि हमारे चुटकुले हमको कोई और लिख के देगा, ये गलत बात। आपको हमारा वो चुटकुला पसंद आया प्रमिला मैडम, इसलिए तो हम यहाँ पर हैं। वो हम खुद लिखे हैं और मेहनत के साथ, टाइम लगा, जो भी हमारे फेवरेट कॉमेडियंस है, जसपाल भट्टी भैया, जॉनी लीवर, सब खुद लिखे। क्या है, हम दुकानदार हैं, शब्द बेचते, मेरे पास सिर्फ शब्द है और कुछ नहीं। मुझसे ये मत छीने, खत्म हो जाएंगे। हम पे भरोसा रखिए, और कुछ लिखेंगे आपके लिए, कभी निराश नहीं।